now. हाय फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे कि हम साल्विया प्लांट के किस तरह से समर में केयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। साल्विया वैसे तो विंटर्स का प्लांट है, बट ये समर में भी सर्वाइव करता है, इसलिए इसे पेरेनियल प्लांट कहा जाएगा। ये देखिए, इसमें अभी फ्लावरिंग हुई है, इस लीव्स को देखकर ही आप जान रहे होंगे कि इस ये अभी जल्दी ही फ्लावरिंग किया है। और जिसकी पुरानी जो लीव्स है वो देखिए, इसमें तो सीड्स भी बन गए हैं, इन सब में सीड्स बन गए हैं। और इसके जो सीड्स हैं वो इसी में गिरते रहेंगे, और फिर जब विंटर आएगा तब इसके और भी प्लांट्स हो जाएंगे। तो हम इसकी समर केयर के बारे में बात करेंगे कि हम इसकी समर में किस तरह से केयर करें। तो चलिए इसकी समर केयर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे इसकी सॉइल की। तो आप इसको रीपॉट मत करिए, ये सोच के कि विंटर में ये किस तरह के सॉइल में था और अब इसको समर आ गया है कि जिसमें मॉइस्चर रहे और जिससे इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह आपको कुछ नहीं कर रहा है, जिस सॉइल में वो था उसी सॉइल में आपको रखना है। बस आपको इसको सेडी एरिया में शिफ्ट कर देना है। अभी आपने इसको ऐसी जगह पर रखा होगा जहाँ पर यानी दिन भर की धूप ना आती हो, थोड़ी बहुत धूप उसको विंटर्स की मिल जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इस टाइम आप उसको बिल्कुल सेडी एरिया में शिफ्ट कर दीजिए, डार्क एरिया में नहीं शिफ्ट करना है। सेडी एरिया का मतलब जहाँ पर आपको उजाला रोशनी आती हो, ऐसी जगह पर आप इसको शिफ्ट कर दीजिए तो ये अच्छे से सर्वाइव करेगा। ये आप नॉर्मल वैसे ही दीजिए, जैसे कि जब इसकी सॉइल बिल्कुल सूख जाए, ऊपर से कम 2 इंच तक बिल्कुल ड्राई हो जाए, तब आप इसे नेक्स्ट टाइम पानी दे दीजिए तो ये अच्छे से सर्वाइव करेगा। और कंपोस्ट, जैसे आप और भी अपने नॉर्मल प्लांट्स को दे रहे होंगे कंपोस्ट, उसी तरह से आप इसको कंपोस्ट दीजिए। विंटर में कंपोस्ट की ज़्यादा ज़रूरत रहती है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करनी रहती है, तो इसको हिसाब से अपने फूड की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपोस्ट इसका फूड का वर्क करता है। बट समर में इसको फ्लावरिंग नहीं करनी है या कम फ्लावरिंग करनी है तो इसको बहुत ज़्यादा कंपोस्ट मत दीजिए। बस महीने में एक बार आप इसको नॉर्मल कंपोस्ट दे दीजिए, काउडंग कंपोस्ट दीजिए या वर्मी कंपोस्ट, जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर लीजिए। इस पर फंगसाइड और इंसेक्टिसाइड ज़रूर डालिए, क्योंकि जब समर के सीजन स्टार्ट हो जाते हैं सभी प्लांट्स पर इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसे हम सेडी एरिया में रखेंगे, अगर इसको गलती से ज़्यादा पानी दे दिया तो इसकी जो रूट्स होती हैं उसमें फंगस या फिर इसकी जो लीव्स होती हैं उसमें फंगस लगने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए इसको आप हर 15 दिन पर फंगसाइड और इंसेक्टिसाइड ज़रूर से ज़रूर दीजिए। तो ये कुछ केयर एंड टिप्स है जिसकी वजह से हम अपने साल्विया के प्लांट को समर में भी सेव करके रख सकते और जब विंटर का सीजन स्टार्ट होगा तब इससे फ्लावरिंग फिर से जैसे नॉर्मल साल इसने फ्लावरिंग की वैसे ही वो नेक्स्ट ईयर भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।